वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं लेकर आया हूँ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में। दोस्तों, 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ मुंबई से नागपुर तक की आपकी सड़क यात्रा सुगम होने के लिए तैयार है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी तथा सरकार की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को 2 मई को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, परंतु अब इसे टाल दिया गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या बाधा आई है। वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, मुंबई नागपुर एक्सप्रेस या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। ये एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट हर 50 किलोमीटर पर, वे साइड एमिनिटीज हर 5 किलोमीटर पर, सीसी टाइप कैमरा, टेलीफोन बूथ, फास्ट इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और वाईफाई अम्ब्रेला भी लगाया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लाखों पेड़ लगाकर ग्रीनरी मेंटेन किया जाएगा तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि 2 मई को समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा और इसी कड़ी में वर्तमान सरकार के मंत्री ने टेस्टिंग के तौर पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर वीडियो भी ट्विटर के माध्यम से पोस्ट किया था, परंतु इस एक्सप्रेसवे में बनने वाले एनिमल अंडरपास जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा था, पूरी तरह से तैयार न होने तथा वन्य जीव की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अभी क्लियरेंस नहीं दिया गया है, परंतु जैसे ही ये बाधा दूर होगी एक्सप्रेसवे को जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, फेज़ वन यानी 210 किलोमीटर का हिस्सा नागपुर से सेलू बाज़ार वासिम डिस्ट्रिक्ट तक पब्लिक के लिए खोला जाएगा तथा 310 किलोमीटर फेज़ टू में जो सेलू बाज़ार से शिरडी तक 15 अगस्त तक खोले जाने की उम्मीद की जा रही है। और वर्तमान में जो यात्रा 16 घंटे की है उसे 8 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर निर्धारित स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की होगी। इस एक्सप्रेसवे का अपडेट मैं लेकर आता रहूँगा। अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।